नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। दोस्तों आज हम अनुपमा जायसवाल जी माननीय अभी शिक्षा मंत्री के बारे में बताएंगे, जिनसे शिक्षा मित्र का एक संगठन मिला, उन्होंने क्या कहा है हम आपको पढ़ के बता देते हैं। साथियों आज माननीय अभी शिक्षा मंत्री श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी से उनके आयास पर मुलाकात हुई, जिसमें शिक्षा मित्रों के भविष्य पर विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री महोदय ने कहा है कि आपके पास 17 वर्षों का शिक्षण अनुभव है, जिसे सरकार कतई नज़रअंदाज नहीं करेगी। आप लोग निश्चित होकर पूरी निष्ठा के साथ शिक्षण कार्य करें। माननीय मंत्री जी से एक शिक्षा मित्र के लिए एक वृहद कार्यक्रम शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी आयोजन की बात की गई, जिसको माननीय मंत्री महोदया जी ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा आप लोग कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर तारीख हमें अवगत कराएं। मंत्री जी ने इस पर सुझाव दिया है कि कार्यक्रम के लिए छुट्टी के दिन का ही चयन करें। अतः मंत्री महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि आप सभी की समस्याओं के निदान के लिए मैं प्रयासरत हूँ, जिसका परिणाम शीघ्र अतिशीघ्र आप सभी के सामने होगा। धन्यवाद। आपका राजेंद्र प्रताप सिंह गृह जायसवाल। इसके अतिरिक्त एक जो खबर है वो है अनुदेशक की, जिसमें अब पता चला कि पास के ही एक पेड़ से लटक कर एक अनुदेशक ने फांसी लगा ली। 3 माह से उसे मानदेय नहीं मिला था। आर्थिक तंगी की वजह से ये बताया जा रहा था कि उन्होंने फांसी लगा ली, लेकिन वहाँ के BSA का कहना है कि ऐसा नहीं है, किसी गंभीर बीमारी की वजह से उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि अनुदेशक के पास 18 बीघा जमीन थी और वो शादीशुदा भी नहीं थे, तो अभी उनके पास ऐसा कोई आर्थिक संकट नहीं था। ये सब अफवाहें हैं। आज की छोटी सी न्यूज में बस इतना ही। इसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका दोस्त गोपाल सिंह।